नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आगे का एजेंडा आप देखेंगे। बदलापुर कांड के आरोपी का आज पोस्टमार्टम होना है। मुंबई के जेजे अस्पताल में आरोपी अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम। कल हुआ था रेप कांड के आरोपी का एनकाउंटर, तो दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। बदलापुर कांड के आरोपी का आज पोस्टमार्टम मुंबई के जेजे अस्पताल में। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। बदलापुर कांड के आरोपी का आज पोस्टमार्टम है। बदलापुर कांड में जिस तरीके से आपने देखा था, लोगों का गुस्सा सामने आया था और उसके बाद सरकार को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। एक ऐसा मामला जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। दो बच्चियों से यौन शोषण का आरोप लगा था अक्षय शिंदे पर और उसका एनकाउंटर, और अब भी कई गंभीर सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टमार्टम होना है और इससे कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। तो पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसके जरिए यह घटनाक्रम आप समझ पाएंगे। पुलिस से हथियार छीनने का आरोप लगा, फायरिंग किया गया, उसमें फायरिंग में मारा गया ये आरोपी। बदलापुर में जो बवाल हुआ था वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे। वहां पर रेलों के परिचालन को रोकने की कोशिश की गई थी जब ये घटना सामने आई थी। आरोपी की मौत पर कुछ जगहों पर जश्न का माहौल भी देखने को मिला है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई आतिशबाजी की। जिस गाड़ी में आरोपी अक्षय का एनकाउंटर हुआ, फॉरेंसिक टीम ने उस गाड़ी की जांच की है। संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट देखिए। बदलापुर नाबालिग यौन शोषण मामले में गिरफ्तार अक्षय शिंदे की कल एनकाउंटर में मौत हो गई। आपको दिखा दूं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वही गाड़ी है जिस गाड़ी से अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से थाने ले जाया जा रहा था। जिस दौरान पुलिस का ये दावा है कि जैसे ही ये गाड़ी मुमरा बाईपास रोड पर पहुंची, वैसे ही अक्षय शिंदे ने एपीआई मोरे की बंदूक छीनकर एक गोली चलाई जो कि उनके पैर में लगी, वहीं दो गोली और चलाई जो कि मिस फायर हो गई। अक्षय शिंदे की इस तरह से गोली चलाने की प्रवृत्ति को देखते हुए सेल्फ डिफेंस में पीआई शिंदे ने अपनी बंदूक निकाली और बंदूक से अक्षय शिंदे पर गोली चला दी। इस फायरिंग में अक्षय शिंदे की मौत हो गई। मैं आपको दिखा दूं कि ये वही गाड़ी है जिसकी अभी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अंदर टॉर्च की मदद से बारीकी से एक एक कोना देखा जा रहा है, खून के धब्बे देखे जा रहे हैं, साथ ही बुलेट शेल जो होती हैं उसे भी फॉरेंसिक टीम अपने साथ ले जाएगी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो SIT बनाई गई है इस मामले की जांच करने के लिए, उस SIT के चीफ पराग मनेरे जो कि EOW के DCP हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने गाड़ी का मुआयना किया। तो देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण एविडेंस है जाँच के नज़रिए से, और इसी वजह से फिलहाल जो फॉरेंसिक की टीम है या फिर जाँच से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है और इस एविडेंस के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण एविडेंस है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसे पुलिस ग्राउंड में रखा गया है ताकि कोई भी अज्ञात शख्स अंदर न जाए। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस का प्रोटेक्शन भी लगा के रखा है कि जो पुलिस वाला होगा वही अंदर जा सकता है, उसके अलावा कोई और एंटर नहीं कर सकता। साथ ही आप देखिए, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा लोग इसका वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स गाड़ी के अंदर हैं, टॉर्च से जो गाड़ी की बारीकी से जांच भी की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज ठाणे। तो सूरज ओझा की रिपोर्ट आपने देखी, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सूरज, जब ये मामला आया था सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने देखा था कैसे जमकर बवाल हुआ था, हल्ला हंगामा हुआ था, राजनीति भी हुई थी।
अब मौत के बाद भी कई तरह के राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको हमें मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो विपक्ष का काम ही है खड़ा करना। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अक्षय शिंदे ने जो कुछ किया उसे कानून के दायरे में रहकर उसे सजा देनी चाहिए थी। जिस तरह का एनकाउंटर किया है उस पर सवाल उठाया है, ये इनकाउंटर है या हत्या है, लगातार ये बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो इसी बात को साबित करने पर तुला हुआ है और इसीलिए SIT का गठन किया गया है। SIT का जो चीफ बनाया गया है वो EOW का DCP पराग मनेरे, इन्हें नियुक्त किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए आपको ये जो व्हीकल दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा व्हीकल है कि इससे इस व्हीकल का इस्तेमाल कई बार एक से ज़्यादा आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस मामले में अक्षय शिंदे, चूंकि उसको खतरा भी था, जिस तरह का प्रोटेस्ट उसको लेकर हुआ था, इसके बाद से उसकी सुरक्षा का ख्याल ज्यादा रखा जाता था, जिस तरह का दावा पुलिस करती है। ठीक है, और जैसे ही इस गाड़ी से नजर बनाकर रखिएगा खबर पर, जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी मैं अपडेट के लिए आगे आपके पास आऊंगा भी। लेकिन मेरे साथ संजय निरुपम चूंकि जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, उनके पास अपने दर्शकों को मैं लिए चलता हूं। बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, आनंद दुबे हैं, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना UBT ग्रुप के, कृष्णा हेगड़े जी हैं नेता शिवसेना शिंदे ग्रुप, और शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका गुप्ता भी कांग्रेस की प्रवक्ता आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। सबसे पहले संजय जी सवाल आप ही से है, चूंकि इस एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि हमारे देश में अदालतों का काम है सजा देने का, एक इतने संवेदनशील मामले का जो आरोपी है कैसे आखिर उसकी जान चली जाती है? परिवार के लोग तो हत्या कह रहे हैं। देखिए इस देश में या कहीं भी एनकाउंटर कानून नहीं होता, वो एक अपवाद होता है। कल जो हुआ बदलापुर का बदला लिया गया है। बदलापुर में हमारी दो नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ उस व्यक्ति ने जो हरकत की थी, जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसको इसी प्रकार का न्याय देना चाहिए था। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, माफी के साथ बीच में रुक रहा हूं, पूरी बात रखिएगा, लेकिन क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं बदलापुर का बदला, तो मतलब अगर पुलिस ने उसको मार गिराया तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो मानव अधिकार की बात करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि मानव अधिकार मनुष्य का होता है, जो हैवान होते हैं उनका कोई मानव अधिकार नहीं होता। तो ये तो अदालत तय करेगी ना संजय जी, हरकत की थी वो एक हैवानियत थी, वो एक निश्चित तौर पर अमानवीय हरकत थी। आगे जरा मुझे दो तीन बातें कह लेने दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहां पर एक बलात्कार होता है, और वहां एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहां बलात्कार होता है, वहां की मुख्यमंत्री मतलब इंडिया गठबंधन की एक मुख्यमंत्री है ममता दीदी, जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि वो एक बलात्कारी को बचा रही है। महीनों तक वहां आंदोलन चलता है, उसके बाद वहां की एक महिला मुख्यमंत्री झुकती है और कहीं ना कहीं न्याय देती हुई दिखती है। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार है जो बलात्कारी को बचा नहीं रहा है बल्कि बलात्कारी को सख्त सजा दे रहा है। अब कानून वगैरह सब अपनी जगह, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब पूरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र की बहू बेटियां जब उद्वेलित हैं कि हमारे मान सम्मान की, हमारी इज्जत की कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र की बहू बेटियों को एक संरक्षण का भाव देते हुए, उनके सुरक्षा का भाव देते हुए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की है, और ऐसे तमाम बलात्कारियों को निश्चित तौर पर इसी प्रकार की सजा देनी चाहिए। जब भी बलात्कार होता है तो हमारे देश में ऐसी मांग होती है कि ऐसे बलात्कारियों को खुले चौक में फांसी की सजा दीजिए। यह जो उद्रेक है, यह जो भावावेश है, उस भावावेश का भी सम्मान होना चाहिए। यही वजह है कि कल पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं ने मिठाइयां बांटी हैं, पटाखे फोड़े हैं, बदलापुर की हमारी माताएं बहनें। संजय निरुपम जी, जिस दिन ये घटना घटी है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, लोगों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, कल वो मिठाइयां बांट, लेकिन आप एक सीनियर लीडर हैं संजय निरुपम जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतों से फैसला नहीं होना चाहिए, पुलिस फैसला करने लगे, पुलिस गोली मार दे किसी को? मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि एनकाउंटर कानून नहीं होता, यह एक अपवाद स्वरूप होता है, एक्सेप्शन होता है। कभी कभी आपको अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा और एक बड़ा मैसेज देने के लिए इस प्रकार का एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष महाराष्ट्र में क्या कह रहा है, हमको लाडली बहनें नहीं चाहिए, सुरक्षित बहनें चाहिए। तो हमने भी कहा कि हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी, और उसको सुरक्षित रखने का अब कहीं ना कहीं इस प्रकार का भी रास्ता इस्तेमाल करेगा। बड़ा उद्देश्य क्या है, व्यापक उद्देश्य क्या है, यह है कि महाराष्ट्र की बहू बेटियां सुरक्षित रहें। आज हम हमेशा सुनते हैं कि कहीं लातूर में, कहीं बुल्ढाना में, तो कहीं यहाँ किसी वर्क स्टेशन पे नन्ही बच्चियों के, 3 साल की बच्चियों के साथ ये जो हैवानियत हो रही है, उसका जवाब कभी ना कभी इस प्रकार बिल्कुल होना चाहिए सर। लेकिन स्पीडी ट्रायल हो, फैसला जो है वो अदालत को सुनाने दीजिए,
डर बना, ये बनाना रिपब्लिक वाली स्थिति बन जाएगी। पुलिस को अगर ये अधिकार दे दिया जाएगा कि आप फैसला करिए, जाकर किसी ने कुछ गलत किया है तो जाकर गोली मार दीजिए, ये नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि एक न्याय है, कैसे न्याय हो सकता है? न्याय देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने देश में अदालत को है, संविधान से देश चलता है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है, विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, विपक्ष ने एनकाउंटर की जांच की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि आरोपी ने पुलिस पर पहले हमला किया, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो लोग, जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि आज जो राज्य के अंदर में पूरी कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, तो ये ऐसे घटनाएं जब हो रही तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, दुकान में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए, वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत है। सीधे मैं आपको आनंद दुबे जी के पास ले चलता हूं, प्रवक्ता हैं आप शिवसेना यूबीटी के उद्धव गुट के हैं। आनंद दुबे जी, आपने सुना देवेंद्र फडणवीस साहब को भी, वो कह रहे हैं कि आप ही लोग तो कह रहे थे कि फांसी दे दी जाए। अखिलेश जी नमस्ते। देखिए सरकार में बैठे लोगों के विचारों में कितना विरोधाभास है। अभी संजय निरुपम कह रहे थे कि ये बदलापुर का बदला है, ऐसे लोगों को मार के खत्म कर देना चाहिए। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि पुलिस पर एक हमला हुआ, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दी। अब बताइए कि इसमें क्या सच माना जाए, क्या झूठ माना जाए? जिस आरोपी को, इतना बड़ा आरोपी, इतना मतलब खौफनाक आरोपी, जिसके हाथ बंधे होते हैं, जिसके मुंह पर काली पट्टी होती है, वो पुलिस की रिवाल्वर निकाल के पुलिस को गोली मार रहा है, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है कि हाथ बंधे हो, मुंह पे पट्टी हो और पुलिस गोली, अपना पुलिस की रिवाल्वर छीन के कोई गोली चला रहा हो, उसके बाद पुलिस फिर बचाव में गोली मार दे रही हो। लेकिन संजय निरुपम कह रहे थे कि नहीं, ये तो एक अपवाद है, अब ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, तो कानून कचहरी सब बंद कर देना चाहिए। अखिलेश भाई, आखिर इसको अगर फांसी दी गई होती, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया गया होता, तो जनता का ज्यादा विश्वास बढ़ता, कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता। अभी तो इनकाउंटर है कि नहीं है, हमने कल ही मांग की थी कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, आज सरकार ने आनंद फानंद में एसआईटी बिठाई है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। अच्छा शलामणि जी, फैसले ऐसे आनंद भाई एक मिनट, शलामणि त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं, उनके पास में चलता हूं। शलामणि जी, क्या आपको भी लगता है कि संजय निरुपम कुछ देर पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे सही है, बदलापुर का बदला कह रहे थे वो? नहीं देखिए अखिलेश भाई, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है, और जो व्यक्ति दरिंदगी करता है, जो बलात्कारी है, जो वहशी दरिंदा है, खुद उसकी पत्नी भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है कि ये एक बहुत निम्न स्तर का अपराधी है, और उसके खिलाफ जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, हमारे शिवसेना उद्धव गुट के जो साथी, उनका 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 बयान देखिए, विपक्ष किस प्रकार से बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होता है, विपक्ष किस प्रकार से अपराधियों के समर्थन में खड़ा होता है, माफियाओं के समर्थन में खड़ा होता है, ये मुझे लगता है आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ जहां कार्रवाई हुई है, पूरी देश की जनता इस बात को लेकर खुश है कि ऐसे बलात्कारी ने अगर पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस को भी मानवाधिकार के तहत अधिकार है सेल्फ डिफेंस में कि वो उसको गोली चला सके, पुलिस ने अपनी प्राण रक्षा के लिए गोली चलाई, वो मारा गया। अब अगर उसके परिवार के लोग ये कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, बात समझ में आती है। बाकी तो निर्भया के जो आरोपी थे वो भी आखिर वक्त तक कहते रहे कि नहीं साहब, हम तो बेगुनाह है, हम तो महापुरुष है। तो ये विपक्ष के अंदर जो ये प्रवृत्ति पैदा हुई है बलात्कारियों को महापुरुष बनाने की, अपराधियों को महापुरुष बनाने की, माफियाओं को महापुरुष बनाने की, मुझे लगता है देश की और खासतौर पर महाराष्ट्र की महान जनता देख रही है कि किस प्रकार से बलात्कारी, दुर्दांत बलात्कारी, उसके साथ शिवसेना उद्धव गुट खड़ा है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जवाब लेता हूं इसका, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है शलमणि जी। प्रियंका गुप्ता जी जवाब दीजिए, एक बलात्कारी को आप लोग महापुरुष बनाने में लगी हुई है?
देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पे ही नहीं बल्कि सभी बलात्कार के मुद्दों पर यही कहती रही कि पूरी तरीके से पास्को एक्ट लगाया जाए इस मुद्दे पर और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस दरिंदे को फांसी दी जाए। पर सजा और हत्या में अंतर होता है, ये पूरी तरीके से हत्या है। जिस तरह से नाटकीय क्रम पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है, पुलिसिया तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये न्याय है जैसा कि संजय निरुपम जी ने कहा, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये न्याय हर जगह क्यों नहीं लागू होता? आप बताइए, गुजरात में जो बिल्कुल बानू के जो रेपिस्ट है उनके साथ में क्यों नहीं ये न्याय हो रहा? और जो आप बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की, तो मैं पूछना चाहूंगी 126 महिला अपराध प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जाते हैं, 40% महिला अपराध लगातार इस सरकार में बढ़ते चले जा रहे हैं और सबको न्याय मिलना चाहिए। कहां से लाएंगे इतना न्याय? क्या आप पूरी तरीके से कानून को दरकिनार करना चाहते हैं, भय की राजनीति करना चाहते हैं और मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव में मुद्दों से भटकाने के लिए जिस तरह की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन की सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब लेता हूं कृष्णा हेगड़े जी से। कृष्णा हेगड़े जी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये हथकंडा है जो जिसे आप लोग एनकाउंटर कर रहे हैं? कृष्णा हेगड़े, अखिलेश जी, ऐसा है कि देखिए, अक्षय शिंदे कोई साधु या संत नहीं था। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया था, वो रेप चार्ज पे एक्यूज्ड है। उसने तीन और चार साल के बच्चों का शोषण किया है। उसके ऊपर बहुत सारे गंभीर गुनाह हैं। उसके जो बीवी थी उसने भी उसके ऊपर, उनसे संपर्क टूट गया है। शलामणि जी, आखिरी कमेंट अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो। देखिए, मुझे लगता है कि देश भर की बेटियां, देश भर की बहनें, माताएं कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट का ये जो बयान है सुन रही होंगी कि किस प्रकार से एक अपराधी के मारे जाने पर ये लोग उसको हत्या बता रहे हैं, यानी पुलिस का मनोबल गिराना चाहते हैं। कल को पुलिस कार्रवाई न करे अपराधियों पर, माफियाओं पर, बलात्कारियों पर। कांग्रेस पार्टी की पूरी यही कोशिश है, आनंद दुबे जी चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, आनंद दुबे जी जल्दी से कोई कार्रवाई ना हो। अगर उसने पुलिस की लिवर्बर लेकर पुलिस पर गोली चलाई है और जवाब में पुलिस ने उसको मारा है, तो कोई प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन संजय निरुपम कह रहे हैं कि उसको मार डाला गया है, ये एक बदला है, तो बंद कर दीजिए न्याय व्यवस्था, ऐसे ही बदले लीजिए ना जगह जगह। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, और क्या इस तरीके से बदला लिया जाएगा? फैसला अदालतें करेंगी या पुलिस करेगी? ऑन द स्पॉट फैसला होगा? कृष्णा हेगड़े जी, नहीं देखिए, ये विपक्ष को है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। कुछ दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि इसको लेके जाना चाहिए चौराहे पे, इसको मारना चाहिए और इसको फांसी देना चाहिए। आज उसका समर्थन कर रहे हैं, जो रेपिस्ट है उसका समर्थन कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? ये हिस्ट्री शीटर था, ये कोई साधु या संत नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर इतने गुना दर्ज है और ऐसे लोगों के लिए, जैसे संजय निरुपम ने कहा, कानून अपनी प्रक्रिया तो लेगी, लेकिन अगर इसने कोई रिवॉल्वर छीन के पुलिस पे, नहीं नहीं, पुलिस को पूरा हक है, गोली दागी है। देखिए, पुलिस पर अगर कोई हमला करे, मेरी बात समझिए, पुलिस पर अगर कोई हमला करे, पुलिस बिल्कुल अपने बचाव में कार्रवाई कर सकती है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन सीधे तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ही फैसला कर दे। फैसला करने का अधिकार अपने देश में सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है, देश संविधान से ही चलेगा। आनंद दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ थे, धन्यवाद आपका। शलामणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रियंका गुप्ता जी, आपका भी धन्यवाद। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। रफी खान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है। रफी खान के साथ कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष नौशाद भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट और अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तो जाली नोटों का नेटवर्क चलाने का आरोप और समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता जो आरोपों के घेरे में है, न सिर्फ नकली नोट बरामद किए गए हैं बल्कि हथियारों का जखीरा भी मिला है, इस तरह की भी सूचना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बरामदगी हुई उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता को इस मामले में पकड़ा गया है। नाम रफी खान, जो कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफी खान के साथ कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग पकड़े गए उनमें समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का एक उपाध्यक्ष भी बताया जाता है, जिसका नाम है नौशाद। जब यह बरामदगी हुई उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख
62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है, और यही नहीं हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। ये जो है एक गैंग बनाकर ये क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं और इन पे कई मुकदमे भी कायम है और इनके कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां भी है, और ये जितने भी हैं चाहे कहीं से भी जुड़े हो लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाली नोट की तस्करी में पुलिस का एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है। यूपी बिहार से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था जाली नोट का यह कारोबार। सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा था नकली नोट का यह पूरा नेटवर्क। लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का भी इस गैंग पर आरोप है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त थे ये लोग। न सिर्फ जाली नोटों का यह गोरख धंधा चल रहा था बल्कि जमीन पर कब्जा भी किया करते थे इस गैंग के लोग। लोगों की जमीन हड़प ली जाती थी। जाली नोटों में डील करने वाले ये 10 शातिर बदमाश है जो गैंग है इनका। इनके पास से नेपाली करेंसी भी मिली है और इनके मूवमेंट की सूचना भी हमारे पास मिली है, जिसपे हमारी टीम काम कर रही है। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असलाह है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। और मामला इसलिए राजनीतिक रंग ले रहा है क्योंकि जो शख्स पकड़ा गया उनमें से दो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वीरेश पांडे ने उनसे बातचीत की, सुनिए आप। कुशीनगर में आपकी पार्टी के दो बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जाली नोट हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, एडवांस में कोई किसी को नहीं चिन्हित कर सकता कि कौन क्या कर रहा है। इस केस के तथ्यों से हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि जिस पे आरोप लगाए वो अपनी सफाई देगा और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस जाति धर्म दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों के डकैती के जो मुलजिम हैं, अगर वो समाज भारतीय जनता पार्टी के पास सड़ जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं है उनकी तो उनकी जात धर्म के देख से किसी दल से उन्हें जोड़ दिया जाए। ऐसे मामलों में हमारा विरोध है और रहेगा। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करे, जो जिस पे आरोप लगाए वो अपना पक्ष रखेगा और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। तो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी? पार्टी के पास जब तथ्य आएंगे तो निश्चित तौर पे। पार्टी का कोई कानूनन जिम्मेदारी अधिकार तो नहीं है, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर छटनी करती रहती है। जब उसे अपनी कार्यकर्ता के बारे में कोई गलत खबर मिलती है तो उस पर जाँच करती है। जिसका जो लोकल यूनिट है, जब वो तथ्य बताएगी कि क्या मामला है, गलत है, सही है, आपसी द्वेष में हुआ है, वास्तव में कोई संगीन अपराध कर रहे थे, तो उसके हिसाब से पार्टी अपनी कार्रवाई करती है और करेगी। आपने सुना इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। यकीनन बहुत चौंकाने वाली ये पूरी घटना है। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे को आपने देखा जब बात कर रहे थे वो उदयवीर जी से, और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान की गिरफ्तारी में एक और खुलासा हो गया है। इलायची का कारोबार करता है आरोपी रफी खान, ये भी पता चला है, और इलायची के कारोबार की आड़ में जाली नोटों का धंधा चल रहा था। असम से दिल्ली तक फैला है रफी का नेटवर्क। रफी खान पर GST की चोरी का भी आरोप लगा है। तो ऐसा लगता है कि आदतन फितरतन ये शख्स अपराधी। न सिर्फ GST के मामले में यह गच्चा दे रहा था सरकार को, GST चोरी करता था, बल्कि असम से दिल्ली तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है। कहने को इलायची का कारोबार करता था लेकिन उसकी आड़ में इसका जाली नोटों का गोरख धंधा चल रहा था। और इस वक्त मेरे साथ वीरेश पांडे मौजूद हैं, मेरे सहयोगी, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश,
वाकई में चौंकाने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पकड़े गए लोग उनमें से एक लोहिया वाहिनी से जुड़ा हुआ है और दूसरा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से, समाजवादी पार्टी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के ये राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और इलायची के आड़ में ये गोरख धंधा करते थे और बिहार के रास्ते, बिहार में यानी यूपी और बिहार के बॉर्डर पर तमकुही राज में इसका घर है और इसी के द्वारा यानी सारी रिश्तेदारी इसकी बिहार में और बिहार के जरिए फिर नेपाल में नकली नोटों का धंधा और साथ ही साथ जो हथियार हैं उनका धंधा ये करता था। पुलिस का साफ कहना, संतोष मिश्रा जो कुशीनगर के SP हैं उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात की और जो सामने तथ्य आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बरामद हुई हैं जो जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से जोड़े जा रहे हैं। नेपाल के रास्ते और भी ये तमाम काम करता था जिसके तार खंगाले जा रहे हैं कि कहीं अरबियन कंट्री में, कहीं ISI से इसके कहीं कहीं तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। ये भी एक बड़ा खतरा है। जो जांच एजेंसियां हैं इस मामले पर भी जांच कर रही हैं, इस पूरे मामले में जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी लगा दी गई हैं क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है, अति संवेदनशील मामला है और ये बहुत दिनों से इलायची के धंधे की आड़ में ये अपना व्यवसाय करता था, यानी नकली हथियारों का साथ ही साथ नकली नोटों का, बहुत सारे ऐसे इसके धंधे थे जो बिहार के जो इसके रिश्तेदार थे, क्योंकि जब इसे गिरफ्तार किया गया और तो ऐसे में हमारे पास खबर है कि बिहार से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में रसूखदार लोग यूपी पहुंचे थे, कुशीनगर पहुंचे थे इसे छुड़ाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए। तो ये जो धंधा है बिहार से भी जुड़ता है, नेपाल से भी जुड़ता है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो विदेशी शक्तियों से भी इसके तार जुड़े होने की आशंका है, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया। ये पता चल पाएगा कि आखिर ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था। वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने जारी किया बेरोजगार युवाओं का एक वीडियो, बीजेपी ने रोजगारों का अवसर छीना, ये गंभीर आरोप लगाया राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी पर। राहुल का ये वार, अमेरिका में हरियाणा के युवाओं से मिले थे राहुल गांधी, हरियाणा में परिवार से भी मुलाकात उन्होंने की थी। प्लस टू के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है, जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, नहीं आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता, उसमें देखा कि घाटा ही है तो फैमिली का फ्यूचर ले लिया। हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापिस इंडिया जाना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ओ स्पेशल चूरमा बना रहे हैं। हाँ, देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी। मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार? अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन, इसलिए पिछले 10 साल में हालात ऐसे हो गए जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्डिंग कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई। माँ बाप सब घर में? तो कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया कि बेरोजगार युवक जो कि रोजगार की तलाश में विदेश चले गए हैं, उनसे राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, AIMIM की रैली में उमड़ी भीड़, विवादित बोल पर AIMIM का हल्ला बोल, नीतीश राणे के खिलाफ ओबीसी की पार्टी का ये मोर्चा नजर आ रहा है। ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर AIMIM के ये सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। नीतीश राणे के खिलाफ ओबीसी की पार्टी का यह हल्ला बोल, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में AIMIM के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरे।
नीतीश राणे ने जो बोला था उनके खिलाफ आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने अपने गुस्से का भी इजहार किया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठियां भी चलाई हैं। AIMIM के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज की सूचना भी मिल रही है। ये मुंबई की तस्वीर है जहां पर सैकड़ों की संख्या में AIMIM के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे नीतीश राणे के बयान के खिलाफ। मैं आ चुका हूँ और मुख्यमंत्री एक बार शिंदे साहब का जो जिला है वहाँ पर आया हूँ। मुझसे कहा गया था कि तुम नहीं आ सकते हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा आपके साथ आया हूँ। ABP News आपको रखे आगे।